हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं, उसको बारे में आपको डिक्लियर से बताते हैं। दोस्तों देखिए, फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए, फ्रिज के जिन जिन भाग में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत आने वाला भागों के भाग निम्न है। देखिए तो आइए हम समझते हैं एम कंप्रेसर। देखिए क्या है, सबसे पहले कंप्रेसर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में ये होता है कंप्रेसर। दोस्तों कंप्रेसर का काम क्या होता है, गैस को संचार करना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। में महत्वपूर्ण चीज है कंप्रेसर, महत्वपूर्ण चीज है। अब ऐसी फ्रिज बनाने जाने पर सबसे पहले चालू कर कंप्रेसर के देखिएगा दोस्तों, कंप्रेसर अगर सही होगा तो सब चीज सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो कम पैसा में ठीक हो जाएगा दोस्तों कंप्रेसर छोड़ाकर, ठीक है। उसको बाद हम बात करते हैं करंट रिले, करंट रिले कंप्रेसर चालू करने के लिए लगाया जाता है। और थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट यानी स्विच, थर्मोस्टेट स्विच होता है दोस्तों, वो क्या कहता है, कूलिंग का कंट्रोल करता है। मान लिया कि हम टेम्परेचर सेट कर दिए, उतना पर हमको कूलिंग कट कर देता है, यानी कि कंप्रेसर के बंद कर देगा दोस्तों। ये थर्मोस्टेट के काम होता है, आप सेट करते होंगे तो देखते होंगे कि इतना पर सेट किया तो इतना ठंडा हो गया, तो हम कूलिंग को कंट्रोल कर देता है दोस्तों, कूलिंग के कंट्रोल करना, ठीक है। और ओएलपी, ओएलपी का क्या काम होता है दोस्तों, ओएलपी का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि ये क्या कहता है, कंप्रेसर अगर चलते चलते हीटिंग बहुत हो जाता है, ठीक है, बहुत हीटिंग हो जाता है तो ये कट कर देगा दोस्तों, यानी कि लाइन कट कर देगा, इस वजह से कंप्रेसर बंद हो जाएगा दोस्तों। और फिर आइए डोर स्विच, डोर स्विच का काम क्या होता है, बल्ब को जलाना, गेट को, ये स्विच ऐसा होता है कि जो गेट के खोलते हैं, गेट के खोलते हैं दोस्तों, तो बल्ब को जला देता है, और गेट के लगाते हैं तो ये बुझ जाता है बल्ब, तो डोर स्विच का काम होता है दोस्तों। तो डोर स्विच का काम होता है बल्ब का बुताना और बारना, ठीक है, और बल्ब, बल्ब का लाइट देना होता है, फ्रिज खोलते हैं तो लाइट देता है, तो बल्ब के काम होता है लाइट देने के लिए। और कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर सभी लोग इसको कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर वो कंडेंसर भी बोलते हैं लोग, तो इसको क्या होता है, स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना काम होता है। और फैन मोटर, फैन मोटर लगा होता है कंडेंसर के ठंडा करने के लिए दोस्तों, देखिए कंडेंसर को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों फैन मोटर के। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताए हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्रेसर कितना टाइप का होता है, उसको बारे में आपको डिटेलियर से बताएंगे। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।